हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिनों बाद आज एक बार फिर से हम लोग वापस आए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ेंगे दो तीन टॉपिक, आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे आपका हो गया ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर उसके बाद आपका आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके बाद आपका आता है केपीकेसी में रिलेशन और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और फिर लास्ट टॉपिक आपका आता है लॉ ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल, या आप हिंदी में उसे बोलते हैं ला सातेलिए नियम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में इरिवर्सिबल टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नंबर फर्स्ट द रिएक्शन। अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। द रिएक्शन टू आर टू टाइप्स, द रिएक्शन आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट इरिवर्सिबल नंबर सेकंड रिवर्सिबल रिएक्शन, या हिंदी में इसको इरिवर्सिबल को अनुत्क्रमणीय बोलते हैं और रिवर्सिबल को उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आपके दो टाइप के रिएक्शन हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन इसको अनुत्क्रमणीय बोलते हैं, और दूसरा आपका क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको सबसे पहला मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। हुआ, देखिए इरिवर्सिबल में हम लोग पहले पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट वाइज करके लिखते चलिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो आप बढ़िया से पॉइंट वाइज लिखे रहेंगे तो टीचर भी आपका जो कॉपी देखेगा उससे बढ़िया आपका इम्प्रेशन बनता है, तो वहाँ से आपको नंबर अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है दे देता है, तो यहाँ लिखिएगा इरिवर्सिबल में द रिएक्शन विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, या आप लिख सकते हैं ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए पहले में क्या है द रिएक्शन विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, दूसरा इसी में क्या हो जाएगा ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, और दूसरा आपका हो जाएगा रिएक्टेंट आर ओनली आर, दूसरा आपका क्या हो जाएगा रिएक्टेंट आर ओनली ऑलमोस्ट देखिए रिएक्टेंट आर ओनली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कन्वर्टेड, ये कम्प्लीटली कन्वर्टेड किस में होगा, जैसे आपका कोई रिएक्शन है यहाँ मान लीजिए ए से बी गया है, ए से बी, तो ये क्या हो रहा है, ये ए से आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है बी बन रहा है, तो ओनली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कन्वर्टेड, कम्प्लीटली
कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ठीक है। जैसे आप डेली लाइफ में देख लीजिए, आप अपने रूम पे ही जहाँ भी आप रहते होंगे तो वहाँ रूम पे देखिए, आप चावल बनाने चल रहे हैं तो चावल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कुकर ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कुकर में थोड़ा सा पानी लिए, पानी को क्या करेंगे, फिर उसके पानी से धुलने के बाद चावल को ले आके आप अपने उस पर रख देते हैं, गैस पर रखते हैं। तो गैस पर आप रखने के बाद आपका चावल जो होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे आपका पका हुआ चावल बन जाता है, तो क्या उस पके हुए चावल को आप कच्चे रूप में परिवर्तित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अगर आप उसको सोचे कि उसी चावल को हम लोग सुखा दें, तो सुखाने पे एक ही कंडीशन हो सकती है कि वो चावल सूख के उसकी आकार में चेंज आ जाएगा, क्योंकि जब पका हुआ चावल को सुखाएंगे तो उसके आकार में कुछ ऐसे, जैसे आपने चावल ऐसे ऐसे कर इस तरह चावल था, तो जब आपने धूप में उसको सुखा के सोचा कि परिवर्तित करके उसी तरह उसी फॉर्म में लाने के लिए, तो वो उसके चावल का आकार कुछ ऐसा हो जाएगा ठीक है। तो इसलिए ऐसा हो जाएगा क्योंकि धूप में वो पहले अपने रूप में नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये कोई आपका रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट में बन सकता है, बट वो प्रोडक्ट से इसमें चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो पाएगा ठीक है। तो इसको नोट करिए, इसी में आगे भी लिखना है अभी आपको। जैसे आपका ये हो गया, रिएक्टेंट आर ओनली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हो गया पहला पॉइंट, तो आपका ये था कि द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये एक ही डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब ये एक डायरेक्शन में। दूसरा क्या है, रिएक्टेंट्स आर ओनली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डू नॉट अटेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन या प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बराबर। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप सब्जी की दुकान पे जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आप 1 kg आलू दे दीजिए, या जो भी आपको सब्जी लेना हो, या फिर आप चीनी ले लीजिए, तो जो आपका वेट रहता है, वेट तौलने वाला तराजू होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका कंप्यूटराइज होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका वेट तौलता है, तो उसमें क्या करते हैं दुकान वाले, जब तक वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाता है तब तक आप कहते हैं थोड़ा और रखिए, बोलते हैं ना ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, वो इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन का जो ये एरो का कंडीशन है वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर पाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट क्या है आपका, सच रिएक्शन आर नोन एज सच रिएक्शन आर रिप्रेजेंट बाई सिंगल एरो ठीक है। सिंगल एरो का मतलब ये, सिंगल एरो से ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एरो से। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करिए इसको।
और इसकी एक एग्जांपल भी लिख लीजिए, जैसे अब ये तो इस हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे C+O2 CO2, ठीक है, ऐसे एग्जांपल में लिख लीजिएगा। मिटाएं इसको, मिटा रहे हैं। सेकेंड है आपका रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट इसमें लिखेंगे हम लोग, यह स्टार बना के ऐसे चलेंगे, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन। और ये सेकेंड पॉइंट, बोथ द डायरेक्शन का मतलब क्या है, इधर से भी रिएक्शन चलेगी और उधर से भी रिएक्शन चलेगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कंडीशन में होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, या आप इसी में आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें क्या करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को फॉर्म कर सकते हैं, तो वही हमको इस लैंग्वेज में लिखना है। रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट ये किस डायरेक्शन में फॉर्म करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको आप खुद समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इट अटेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ लिखिए इट अटेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मैंने आपको बताया ना कि अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कि तराजू आप ऐसे ही, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपने जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिप्रेजेंट बाय डबल एरो, क्योंकि या आप ऐसे लिख सकते हैं, सच रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय, सच रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, ठीक है। ये इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आइस,
जैसे आप आइस को ऐसे पानी को ले लीजिए, पानी को क्या कर दीजिए फ्रिज में रख दीजिए, वो आइस बन जाएगा। फिर उसी आइस को आप ले जाके धूप में रख दीजिए, फिर से वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, N2+3H2 2NH3, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नोट करिए जल्दी से इसको। नोट हुआ? देखिए नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बताना है आपको, इसका नेचर क्या क्या है। तो आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से, चाहे आप फॉरवर्ड से या बैकवर्ड से, दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम फॉर्म कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ये पहला था। दूसरा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो चलता रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोसेस लगातार चलती रहती हैं, इसलिए ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, आप बोल सकते हैं गति कर रहा है, इधर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, देखिए यहाँ पे ये तो हो गया दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, ए कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, ए कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इस चेंज का मतलब वो कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसके बाद आपका ये तीसरा पॉइंट हो गया है, फिर इसके बाद क्या है आपका, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम कैन बी, देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट आपने देख लिया, चौथे पॉइंट में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय कॉन्स्टेंसी ऑफ हो जाएगा सम ऑब्जर्वेबल
प्रॉपर्टी, कॉन्स्टेंसी आप क्या हो जाएगा, सम ऑब्जर्वेबल बेबल प्रॉपर्टी, सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, लाइक लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। फिर इसके बाद आपका देखिए प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, ईटीसी। प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, ईटीसी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाई, इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाई इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाई यहाँ देखिए चेंजिंग फैक्टर। अब बाई चेंजिंग फैक्टर कौन सा है आपका, बाई चेंजिंग फैक्टर आपका कौन कौन सा है, चेंजिंग फैक्टर में आपका हो जाएगा प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर देखिए प्रेशर, टेम्परेचर, फिर इसके बाद आपका वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, ईटीसी। तो ये था आपका नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ये डायनेमिक इन नेचर होता है। फिर इसके बाद एक कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है या उसकी रेट को बढ़ा सकता है या घटा भी सकता है। फिर इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व बाई कॉन्स्टेंसी ऑफ सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, ईटीसी। और नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट, इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाई चेंजिंग फैक्टर। तो चेंजिंग फैक्टर में आपका क्या क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है। तो ये चीज़ आपका था नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद आपका आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं आपको, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, हेडिंग डाल दीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या आप बोल सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसके किसके बीच में कंसर्न, वो हम लोग यहाँ ग्राफ बनाएंगे, तो एक आपका क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। कंसंट्रेशन को मैं यहाँ ऐसे कॉन्क लिख के पावर एन लिख दे रहा हूँ, तो ये कंसंट्रेशन
और ये दूसरा टाइम, फिर ऐसे है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तीसरा भी क्या है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। कौन क्लिक के पावर, फिर इसके बाद एक और है आपका रेट और टाइम के बीच में। रेट और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा, रेट और टाइम। अब इसका जो ग्राफ बनेगा उसका इक्विलिब्रियम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो हम लोग ग्राफ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ऊपर से है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे इसमें भी बना दे रहे हैं, ग्राफ तो बन जाएगा बट इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, घट रहा है, और ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो ऐसे देख के मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं डेली लाइफ से रिलेट करके बताऊँगा तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे आप ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को आप क्या सपोज कर लीजिए, रिएक्टेंट को आप पानी सपोज कर लीजिए, ठीक है, और प्रोडक्ट को आप क्या सपोज करिए, चावल, ठीक है। तो प्रोडक्ट को आप चावल सपोज कर लीजिए, कच्चा चावल आप एक उसमें ले लीजिए कुकर में, क्या कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे फिर आप उसको गैस पे जब रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका चावल पक जाएगा, और पकने के बाद फिर वो उससे ऊपर नहीं जाएगा या उससे नीचे नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक कंडीशन ऐसा आया ना, तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और क्या होगा, पानी एक कंडीशन के बाद पानी भी ख़त्म हो जाएगा, पानी उससे ज़्यादा कम भी नहीं होगा, और ये नहीं हमको चावल बनाना है ना कि उसको जलाना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, चावल आपको बनाना है ना कि उसको जलाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक कंडीशन आएगी, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और आप चाहे अपना कुकर जिसमें आपने चावल बनाया है, चाहे आप यहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके कुकर में चेंज, उसमें कुकर में जो खाना रखा हुआ है उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। कि आप सोचिए वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ घट जाएगा, घटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आप क्या कर लीजिए, दूसरा आपका एक प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट में आप क्या सपोज कर लीजिए, प्रोडक्ट में आप पानी सपोज कर लीजिए, और रिएक्टेंट में आप दाल। यहाँ पे इस वाले केस में प्रोडक्ट को आप क्या सपोज कर लीजिए, वाटर, और रिएक्टेंट को क्या सपोज कर लीजिए, दाल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट में इसको मिल्क सपोज कर लीजिए, अभी बताएंगे क्यों, और रिएक्टेंट में वाटर प्लस कॉफ़ी। कॉफ़ी आपकी सूखी जो आती है पैकेट में, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या सपोज करिए, प्रोडक्ट में आप आपका चावल हो जाएगा या राइस आप लिख सकते हैं, और रिएक्टेंट में आपका क्या है, वाटर है, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बस ये आपको समझाने के लिए करता हूँ, बाकी कोई इससे लेना देना नहीं है, कि आपको बस समझ में आ जाए कि हाँ आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ फाउंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले केस के लिए, अगर हम पी को क्या ले रहे हैं, वाटर ले ले रहे हैं, और आर को क्या ले ले रहे हैं, दाल ले ले रहे हैं। दाल में क्या हो जाएगा, जैसे आपका दाल एक ऐसे है, दाल छोटा छोटा रहेगा, जब वो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो दाल फूट जाएगा या पक जाएगा, जब दाल पक जाएगा तो दाल पकने के बाद उसके उसका जो शेप होगा या साइज होगा वो इसमें घुल जाएगा। फिर इसके बाद पानी क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि आप जैसे एक टाइम फिक्स रहेगा ना, कि यहाँ टाइम लिखा हुआ है, एक टाइम बाद आप कहेंगे कि हाँ 20 मिनट बाद आप दाल उतर मतलब अपने उससे जो आप गैस सिलेंडर पे जिस पे रखे हैं अपने चूल्हे गैस चूल्हे पे वहाँ से उतार लेते हैं, तो उतारने के बाद आपको पता चल जाता है हाँ दाल हो गया, तो वो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये आपका दाल हो जाएगा, तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ठीक है, फिर तीसरा आपका सबसे स्पेशल है, जो कि मैं अपना स्पेशल कॉफ़ी बनाता हूँ, सेम उसी तरह मैं आपको समझाने का भी प्रयास करता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट जो है, यहाँ पी को क्या सपोज कर लीजिए, मिल्क, क्योंकि आप मिल्क को थोड़ा बहुत तो हीट करेंगे ही। ठीक है, यहाँ अभी ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ रिएक्टेंट में आप क्या ले रहे हैं, वाटर प्लस कॉफ़ी, रिएक्टेंट में आप वाटर प्लस कॉफ़ी ले रहे हैं वाट, और उसको बढ़िया से फेंट लीजिए। अब ये नहीं कि सिंपल उसी में सब कुछ मिक्स कर दीजिए, दूध भी मिक्स कर दीजिए और फिर उसके बाद कॉफ़ी चीनी सब मिक्स करके, ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कॉफ़ी प्लस यहाँ शुगर अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितना आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, ये वाटर कॉफ़ी और शुगर इसलिए क्योंकि इसको अच्छे से फेंट के एकदम बढ़िया से वो बनाना है, कि जो झाग वाली कॉफ़ी आती है जिसमें झाग निकलता है वो वाली कॉफ़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, या आप लोग नाम सुने होंगे कैपेचिनो। ठीक है, नाम सुने होंगे, तो वो चीज़ है। क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर कॉफ़ी और शुगर को बढ़िया से अच्छे से फेंट लेंगे, चाहे आपके पास जो भी होगा ग्लास होगा तो ग्लास में, नहीं फिर आप ये क्या बोलते हैं जो आपके पास रहता है कप, कप कप में कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें आप मिलाएंगे इस देखिए दूध में, ये जो आपने बनाया है ये सॉल्यूशन जो बनाया वाटर कॉफ़ी शुगर, इसको दूध को इसमें मिलाना है। जब मिलाएंगे, ये नहीं कि इसको कॉफ़ी में इसको दूध में मिलाना है, दूध को इसमें मिलाना है, तब आपका अच्छे से वो जब मिक्स हो जाएगा, और जब मिक्स हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपको कॉफ़ी भी मिल जाएगी और कॉफ़ी पी लीजिएगा और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका ये रेट है, रेट और टाइम के बीच में, रेट और टाइम के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेट जब चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेट में टाइम रेट चेंज होता रहता है, तो रेट जब चेंज होता रहेगा तो वो आपको एग्जैक्टली मिलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए, जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको लेट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास वैसे तो यहाँ मतलब आप देखेंगे आपके पास छोटा वाला एक ही चूल्हा वाला रहता है, जिसके पास दो है और उसको लेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जल्दी से दाल थोड़ा जल्दी पक जाती है, नहीं चावल जल्दी हो जाता है, दाल थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि दाल उसको पकना है और चावल तो एक सीटी में आपने बना दिया हो गया, तो आपको वो नहीं करना है। आप देखते हैं कि आपका जो कभी ध्यान दीजिएगा, आपका जो गैस चूल्हा जलता है वो एक स्लो जलता है एक तेज जलता है, इसलिए उसका मतलब उस रेट जो है वहाँ पे एक की रेट तेज है एक की क्या है स्लो है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि आप जल्दी जल्दी बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाना होगा। अब जल्दी जल्दी बनाने का मतलब इस पर आप क्या कर देंगे, दाल वाले में प्रोडक्ट रख दीजिएगा, प्रोडक्ट वाले में दाल रख दीजिएगा और रिएक्टेंट वाले में चावल, क्योंकि क्या करते हैं चावल की मात्रा, जैसे आपने पानी थोड़ा सा भी रखा चावल वो बढ़ता है ना कि घटता है, तो चावल वो बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट में ये क्या हो जाएगा, जो आपका दाल है दाल वो उसका कुछ ना कुछ आपकी सीटी नहीं ख़राब होनी चाहिए, सीटी ख़राब होगी तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, सीटी आपकी नहीं ख़राब होनी चाहिए, कि आपने रखा सीटी लगी सीटी उड़ गई, दाल अपने आप उड़ रहा है ऊपर और सीटी आप लगाने के चक्कर में पूरी तरह से भीग जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि आपकी सीटी ना ख़राब हो कुकर की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा और ये रिएक्टेंट
बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट में आपका क्या था, चावल था, और प्रोडक्ट में आपका क्या था, दाल था, लेकिन दोनों का जो मैंने रेट बताया वो डिफरेंट है, इसलिए इस कंडीशन में ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को फॉर्म नहीं करेगा। ऐसे ही दूसरा सेम वही कंडीशन है, दूसरे में भी ये भी इक्विलिब्रियम को फॉर्म नहीं करेगा। तीसरे कंडीशन में क्या होगा, जब रिएक्टेंट की जो यहाँ रिएक्टेंट का जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो होगा, ठीक है, या आप इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, RF और RB रेट जो होगी दोनों की जब बराबर होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्टेंट दोनों का बराबर होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड अगर बराबर हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। तो यहाँ इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, RF इज इक्वल्स टू RB, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पे आएंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत तेज़ी से नोट करिए। समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है ना, अरे बोल भी दीजिए कभी, समझ में आ रहा है ना, अरे हंसिए नहीं, यहाँ फोकस करिए, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया है, मिटाएं, हेडिंग डाल दीजिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको क्या बताना है, आपको केवल डिफिनीशन ही नहीं बताना है, डिफिनीशन आप अगर बता दिए तो पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा कि तब आपको जैसे 2.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आपको आधा देके निपटा देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिफिनीशन भी लिखना है और साथ ही साथ क्या करना है उससे रिलेटेड, जैसे डिफिनीशन में कहना क्या चाह रहा है, रेट रेट के बारे में बात कर रहा है तो वो कहना क्या चाह रहा है वो चीज़ भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो पहले डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए द रेट लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ दियर रिस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट। ठीक है, और एक चीज और, लॉ ऑफ मास एक्शन को किसने दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन को गोल्डबर्ग और वागे नामक दो वैज्ञानिक थे, गोल्डबर्ग एंड वागे, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था, ठीक है, और इसको ऐसे कामों में करके लिखिएगा, बढ़िया एकदम सजा सजा के नंबर लेना होगा तो बढ़िया से लिखिएगा। तो अब ये जो कह रहा है इसी को हम लोग क्या
केमिस्ट्री लैंग्वेज में लिखते हैं। केमिस्ट्री लैंग्वेज मतलब जैसे रिएक्शन वगैरह जो भी रहता है उस लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं। तो ये बोल रहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो पहले हम लोग कोई एक रिएक्शन लिखते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, इक्विलिब्रियम का साइन, या आप गिब्स सॉर्ट बोल सकते हैं, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। देखिए ये वाला सी जो मैंने बनाया है, बस आपको कुछ चीज़ें अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि ये सी क्यों मैंने बनाया है, तो वो अभी आपको बताते हैं। देखिए आपको लिखना है पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड के केस में, लिख लीजिए यहाँ क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड ऊपर वाला जो एरो है ये फॉरवर्ड को डिनोट कर रहा है, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी, ठीक है। फिर उसके बाद आर एफ, अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह अगर आप हटाते हैं तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं, और किस केस में है फॉरवर्ड के केस में है तो उसको हम के एफ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आर एफ इज इक्वल टू के एफ एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी, ऐसे ही इधर हम लोग आर बी के केस में कर लीजिए, आर बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी। फिर इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो वो क्या आ जाएगा बैकवर्ड के केस में, तो आर के बी हो जाएगा, आर बी इक्वल्स टू के बी, ये एक्टिव मास ऑफ सी होगा यहाँ पे, एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी हो जाएगा, बाई मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सी के पावर सी और ये डी के पावर डी। अब यहाँ देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, इसको चाहे आप फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले ये जान लीजिए, आर बी और आर एफ किसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जब आर बी आर एफ के बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, या आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन आर एफ इक्वल्स टू आर बी, ठीक है, आर एफ इक्वल्स टू आर बी, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए के एफ एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी इक्वल्स टू के बी एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी, ठीक है। फिर यहाँ क्या करिए के एफ के नीचे इसको ले आइए, उसको उधर ले जाइए, तो के एफ अपान के बी इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी अपान एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी, ठीक है। अब ये जो के एफ अपान के बी का जो रेशियो है ये के सी के बराबर होता है, तो के सी अभी तब तक आप इस जो ये ब्रैकेट का चिन्ह है तब तक आप कंसंट्रेशन नहीं बोलेंगे जब तक यहाँ पे के सी नहीं लिखा जाएगा, तो ये क्या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं के सी, के सी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गया है, और इसको कंसंट्रेशन का जो फॉर्म लिखा हुआ है इसका एक फॉर्म और भी होता है, एक फॉर्म जैसे ये हम लोग ब्रैकेट को कंसंट्रेशन बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको हम लोग कंसंट्रेशन से डिनोट कर रहे हैं, इसी को दूसरे फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो मैं ही आगे ही साइड में ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ के सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब कंसंट्रेशन यहाँ सी से डिनोट करते हैं, तो सी सी पावर सी इंटू सी डी पावर डी अपान सी ए पावर ए इंटू सी बी पावर बी, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने ये लिखा हुआ है केसी, अब ये केसी क्या है? केसी आपका क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, वो चीज़ है, उसको आप लिख लीजिएगा, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन को कांक लिख के और पावर में यहाँ लिख दे रहा हूँ कंसंट्रेशन लिखा है, ठीक है। तो ये केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर अभी एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केपी केसी में रिलेशन, ठीक है, फिर वहीं पे इसको ये लेक्चर को समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल पूरा कराएंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद उसको हम डेरिवेशन करा दे रहे हैं। नोट कर लीजिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, लाप मास एक्शन ये इम्पॉर्टेंट है। जो मैं इम्पॉर्टेंट बोलता जाऊँगा उसको आप इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, नहीं बाद में आप मत बोलिएगा कि सर आपने तो कहा था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज़ मत करिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देख के जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, या आप खुद ही अपने जो आपके बैचमेट होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट करिए जल्दी से, फिर उसके बाद दूसरा बताते हैं। हो गया है, मिटाएं। हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी में रिलेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही जो हमने पहले रिएक्शन लिखा हुआ था, ए ए ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, और फिर इक्विलिब्रियम का साइन स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, बस वही लिखना है फिर से। और वो सब गैसियस फॉर्म में हमको बात करना है, गैसियस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए गैसियस में है, प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी ये भी गैसियस में है, स्मॉल सी कैपिटल सी ये भी गैसियस में है, स्मॉल डी कैपिटल डी ये भी गैसियस में है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिएक्शन है। इसी रिएक्शन से हम लोग पहले क्या करेंगे, केपी के फॉर्म को लिखेंगे और केसी और केपी के फॉर्म को लिखेंगे, ठीक है। केपी के केसी के फॉर्म को कैसे लिखेंगे, केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी, ठीक है। फिर इसके बाद इसी का दूसरा फॉर्म है केसी का, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। केसी का भी जो आप दूसरे टर्म में मैंने सी के टर्म में लिखा था, ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, कंसंट्रेशन को, और ये वाला सी क्या है, ये रिएक्शन में जो दिया हुआ है पावर सी कैप सी डी पावर डी अपान सी ए पावर ए सी बी पावर बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर टू है। और केपी को हमको लिखना है, केपी को कैसे लिखेंगे, सेम यही आपको जैसे आपने केसी लिखा था ऐसे ही केपी लिखेंगे। तो केपी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, प्रेशर आप पार्शियल प्रेशर आप सी पावर सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अभी ये आप
देख लिए हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद सब लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पी बी बराबर एन आर टी, सब लोग सुन लिए हैं, सब लोग जानते हैं और सुने भी होंगे। यहाँ लिखी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या करेंगे, पी बी बराबर एन आर टी, ठीक है। अब पी बी बराबर एन आर टी जब आपका आया है तो अब यहाँ को हमको किस चेंज में, किस रूप में चेंज करना है, या तो आप प्रेशर के टर्म में चेंज कर लीजिए या फिर आप कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज कर लीजिए। तो हम लोग जो आसान लगेगा, क्योंकि आपको टफ बताना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आपको चीज़ें आसान होनी चाहिए, टफ से टफ चीज़ें आसान करके मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि आपको आसानी हो, एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि आपको सोचने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन बाई बी कर दीजिए, एन बाई बी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी अपान आर टी। और एन बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बाई बी को आप लिख सकते हैं मोल पर वॉल्यूम को कंसंट्रेशन बोलते हैं, सी इक्वल्स टू पी अपान आर टी, ठीक है। सी इक्वल्स टू पी अपान आर टी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, पी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी आर टी, पी इक्वल्स टू सी आर टी। या आप देखो, अब यहाँ से आप दो ऑप्शन है आपके पास, चाहे ये वाला टर्म उठा के इसमें, चाहे इसमें, दोनों में से किसी में रख दीजिए, या ये वाला टर्म इसमें कर दीजिए। तो अगर ये वाला टर्म रखेंगे इसमें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, ये वाले में थोड़ा क्या होगा कि जब कॉमन लेना होगा तो कॉमन लेने में आपको, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी क्या इसको रिवर्स करने में, जब ऊपर जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैं आपको आसान वाला टर्म बताता हूँ, जो आपको आसानी भी पड़ेगी और दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशन में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है पी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के पी इक्वल्स टू, यहाँ देखिए पी, जहाँ जहाँ पी है, यहाँ जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे क्या कर देंगे, सी आर टी के पावर, ये ऐसे इस टर्म में लिखेंगे। तो पी है तो यहाँ पे सी ए सी सी आर टी पावर सी सी डी आर टी पावर डी अपान सी ए आर टी पावर ए सी बी आर टी पावर बी, ठीक है। तो ये क्या है, आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या करिए, आर टी को आप कॉमन ले लीजिए। अब ये गलती से मत करिएगा, आर टी कैंसिल कर दीजिए, गलत हो जाएगा। तो आपको आर टी आपको क्या करना है, क्योंकि पावर जब सेम रहती है तभी आप किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेने का मतलब आर टी आप कॉमन ले लीजिए। तो आर टी के पावर सी है और यहाँ आर टी के पावर डी है, तो यहाँ आप ऐसे कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर टी के पावर सी प्लस डी, ठीक है। ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा, आर टी के पावर ए प्लस बी, बचेगा क्या, सी सी के पावर सी इंटू सी डी के पावर डी स्मॉल डी, सी ए के पावर स्मॉल ए, सी बी के पावर स्मॉल बी। तो उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, के पी इक्वल्स टू सी सी के पावर सी इंटू सी डी के पावर स्मॉल डी अपान सी ए के पावर स्मॉल ए सी बी के पावर स्मॉल बी, ठीक है, इंटू आर टी के पावर सी प्लस डी अपान आर टी के पावर ए प्लस बी, ठीक है। अब ये क्या करना है, इस अब यहाँ से देखिए, जो ये पूरा पोर्शन है ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ये पूरा पोर्शन ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, हाँ इक्वेशन नंबर सेकंड से इधर, यहाँ क्या है, के सी है, ये पूरी वैल्यू के सी है। तो आप यहाँ लिखेंगे के पी इक्वल्स टू के सी, ठीक है, के पी इक्वल टू के सी। अब ये आर टी है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर इसको ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी आर टी की पावर सी प्लस डी
माइनस ए प्लस बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सी प्लस डी ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या देखना है, सी प्लस डी आपका क्या है, सी प्लस डी ये क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट है या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ये जो भी आपके रिएक्शन है ये सब गैसियस फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं सी प्लस डी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है, ये चीज़ आप बोलिएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब डेल्टा ये क्या है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी, डेल्टा एन हो जाएगा, और हम लोग गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं तो वो डेल्टा एन जी हो जाएगा। तो के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन इंटू जी, ये हमको प्रूफ करना था, के पी और के सी में रिलेशन जो आपका था ये के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, ये रिलेशन था। फिर इसके बाद इस वाले टर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, के पी क्या है, के सी क्या है, आर क्या है, सब मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, या इसको पहले आप नोट कर लीजिए, पूरे को नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ के क्योंकि जगह उधर थोड़ा कम है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट करिए जल्दी से। देखिए ये आपका के पी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, और के सी आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम। टी आपका टेम्परेचर है। डेल्टा एन जी क्या है, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो इतना है आपके इसमें। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, इसी का केस है, के पी के सी में रिलेशन कैसे है, और भी अभी ये तो रिलेशन आया है, अभी डेल्टा एन जी की वैल्यू चेंज करने पे आपको क्या क्या रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे बताऊँगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, के पी के सी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका रहेगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी इसको जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं अभी कराऊंगा आपको, और आपके पेपर में जो क्वेश्चन कराया गया है उसको भी कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं सब कराऊंगा, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप क्या होता है, प्रेशर इतना रहता है एग्ज़ाम का कि आप जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ कर देते हैं, तो वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अभी आराम से इसको नोट जल्दी जल्दी बनाते चलिए, ठीक है।